أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم Class 8, Subject English Topic Wrinkles This is the point Dear students, today I discuss with you in this offline class a point and the name of the point is Wrinkles Dear students, first of all you know about this poem a little bit This poem Wrinkles is a Dogri poem and is written by poet Shivnath and is translated by Arvind. The poem deals with the most sensitive and emotional subject of mother and her motherhood. A son is the speaker of the poem. Dear students, जो ये poem है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उस poem का नाम है Wrinkles. और जो poem है यह पोयम एक डोगरी पोइट था इस डोगरी पोइट का नाम था शिवनाथ इसी शिवनाथ ने यह पोयम लिखी है जिस पोयम का नाम है रिक्लस और उसने उस जो डोगरी पोइट था शिवनाथ उसने ये डोगरी जबान में लिखी है ये पोयम और फिर इस पोयम को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में और जो इस पोयम का ट्रांसलेट किया गया वो अरविंद ने किया इस पोयम का ट्रांसलेशन जो कि वो अरविंद ने की और दूसरी बात ये जो द पोयम डील्स विद द मोस्ट सेंसिटिव एंड इमोशनल सब्जेक्ट ऑफ द मदर वो जो ये पोयम है ये मां के बारे में हमें बता रही है कि मां की अजमत क्या है विद द मोस्ट सेंसिटिव एंड इमोशनल सब्जेक्ट ऑफ मदर जो ये मां है ये एक बच्चे के लिए क्या करते हैं और कहां से आते और फिर कहां से कहां जाती है ये मदर ये मां और उसका जो ये मदरहुड है उसका जो ये जिस तरीके से उसने उसने अपनी जिंदगी गुजारी है पहले ये कहां से फिर कहां होती है फिर उसकी शादी होती है फिर दूसरे कोर्ट यार्ड में चली जाती है यही सफर बता रहे हैं इस पोईम में ये डोगरी पोइट जिसका नाम है शिवनाथ और जो इसका जो स्पीकर है वो सन है ए सन इज द स्पीकर ऑफ द पोईम जो बेटा है यही इस पोईम में बोल रहा है अपनी मां के बारे में नाउ आई शैल स्टार्ट दिस पोईम Mothers make infinite sacrifice for their children, including even giving up all they possess. The toll of such sacrifice is heavy. Children need to appreciate and reciprocate motherly love. The poem relates the sacrifices and woman makes while on the path of motherhood. Now I shall start this poem. My mother, making bold today, I begin to count wrinkles on you. One wrinkle of the time when your father uprooted you from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. One wrinkle of that time when I nurtured myself of your blood and grew in your womb. Another wrinkle when I suckered from your breast the comeliness of your face. Still another wrinkle when a girl took me away. From you. Mother, mother, taking courage in my hands today, I am seeking under the skin of your wrinkles a girl who was suppressed, who celebrated royal festival with fondness, who went to the tobi to immerse royal seedlings and both during the Navratras, who played hopscotch and the game of balance. I will bring for you everything, colors for ready. Tinsel for you, your dupatta, colorful tablets from across the river in Tavi, become that girl mother just for a day. Now, dear students, माँ अपने बच्चों के लिए अजीम कुर्बानियां देती हैं उनमें उनका वो सब कुछ कुर्बान करना भी शामिल है जो उनका अपना होता है इस तरह की कुर्बानियों की कीमत बहुत भारी होती है बच्चों को चाहिए कि वो मां की ममता की कदर करें और इसका बदला चुकाएं ये नज़्म एक ऐसी औरत की कुर्बानियों को बयान करते हैं जो कि वो तब करते हैं जब वो मां होने के रास्ते पर होती है ये
जो ये मैंने पढ़ा है ये इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम है, जो पहले लिखा गया है आपके पोएम के ऊपर लिखा गया है, मदर्स मेक इनफिनिट सैक्रिफाइस फॉर देयर चिल्ड्रन, जो माएं होते हैं वो अपने बच्चों के लिए अजीम कुर्बानियां देती हैं, सब कुछ कुर्बान करती हैं अपने बच्चों के लिए एक माँ, इंक्लूडिंग इवन गिव अप ऑल द जो जो भी उनके पास होता है वो बिल्कुल उस बच्चे पर वो बिल्कुल अपने अपना खून भी देता है उस बच्चे को. The toll of such sacrifices heavy. जो ये इस तरह की कुर्बानी की कीमत बहुत भारी होती है, जो ये कुर्बानियां देती है वो बहुत भारी होती है. बच्चों को चाहिए कि वो, लेकिन अब बच्चों को क्या चाहिए, वो अपनी माँ की, वो माँ की ममता की कदर करे, जो कि माँ की ममता होती है, बच्चों को चाहिए कि वो उन माँ की ममता की कदर करें और उसका बदला चुकाएं और उस माँ बाप के और उस माँ की खिदमत करनी चाहिए एक बच्चे को जब वो बड़ा हो जाए. इसलिए जो ये नज़म ये इसी माँ के बारे में है. Now I shall start my mother making bold. Today I began to count wrinkles on her face. मेरी माँ जो मुझे हिम्मत देती है, मेरी माई मदर मेकिंग बोल्ड टूडे, मेरी मदर जो है करती हो, मेरी माँ करते हुई हिम्मत आज, जब हिम्मत करती है, जो ये मेरी माँ है मेकिंग बोल्ड टूडे, मैंने बोल्ड को लिख बोल्ड, मेकिंग बोल्ड बिकम कोरेजस, जो मेरी माँ है वो बोल्ड होती है एक दिन. I began to count wrinkles on your face. मैं आपकी चेहरे पर जो wrinkles हुई है, जो झुरियां होती है, wrinkles के माने जो मैंने poem के माने wrinkles, wrinkles के माने झुरियां, कशेर पर समझा भी गेंग, नम बुचिस गेंग गसा चे, तमने वाना चे, wrinkles. ये चो वाना है, ये बाच, बासर वाना पनी माज, बासर कर count, इसकी चकलचा गेंग ची पनीस बुचिस गम्स, तो अम कार कार गए थे, अम कैथोड गई थी, अम गेंग पनीस बुचिस पे, wrinkles गई गेंग, उर्द पर वाना चे, उन झुरियां. I began to count wrinkles on your face. मेरी माँ, मैं अब काउंट करूंगी आपके चेहरे पर कितनी झुरियां हुई है. नंबर wrinkles कि अम कार ची गसा एक समाज किस पर गसा ची कसा गेंद ची सोचते हैं गम्स वैने ची गेंद ची में समाज गसा किस पर वन wrinkle of the time when your father uprooted you. वैने ची गेंद ची में किस पर गसा जिस पर ये एमएस अक जाए पे कड़ा पिस बेकिस जाए नवान तुम मतलब लड़की अक गाम पमस खानदर कान बेकिस जाए दैट मीनस अक मकान कड़ी बेकिस गामस मेकिस मकान मह दैट मीनस वह ग्लॉट ती वस ती पान पकन ती पान एडजस्ट कर इस पमस गें ग वो तर फिक्री अमिस अकिस माज गच इस पर गसा इस पर एमस खांदर करान छ एक पन्ने मकान मस ये ते असल रोजान आसा छ तक छ मिस काड़ा पचस बिकी जाय खांदर करान तिस पर छ मिस गोडे जी गसान तावर वन रिकल ऑफ द टाइम व्हेन योर फादर अपरूटेड यू. अपरूटेड मैं यहां पर लिखा है अपरूट टू पुल आउट और इन स्पेलिंग मिस काड़ा छ एक घर मस पचस बिकी घर मस खांदर करान को तिस पर छ मिस गोडे जी गसान. From the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. मैंने पहले कहा कि एक सहन मस, एक मकान मस, या एक सहन मस चीज करान, पाचिस बेकिस मकान मस, पाचिस बेकिस जाए खांदर करान, ताचि बेकिस मकान मस रोजान, इस पर इमस आगी गसान. From the backyard of this house, मकान मस करान चीज सहन मस, to plant you in the courtyard of others, पाचि बेकिस courtyard मस वातान, बेकिस मकान मस वातान ये आ मर्ज. This person is arguing us. One recall of that time when I nourished myself on your blood and grew in your womb. Doyum ki, doyum recall she MS maj. This person is gasan. This person MS book. She means we bacha wala. She kya? Maine pehle bhi yahan likha hai. As soon as the speaker of the poem, jo ye bacha, ye beta bol raha hai apni maa ki daleel. Doyum ki she MS. This person is gasan. This person ye me panis shak mas mas rakha chha. कोक पने वोम को पने वोम के माने कोक पनेस शकमस मस रचान चीज पर मिस पने शकमस मस रचान सो आसा दिस पर चेमस मुश्किल गसा वतुन बेहोन पकुन गो दैट मीन्स इट इज प्रेग्नेंट आसा च मी इमर्ज इस पर बुचस मे शकमस मस आसा दिस पर चे एमस दोइम गे गसान तव यावन वन रिकल ऑफ दैट टाइम व्हेन आई नरिश माय सेल्फ इस पर मे नरिश करा च पनेस जस्मस मस ऑन योर पने खून सच मे करंदर नरिश एंड ग्रीव पथ बढ़ाने में शक्मस मस
इन युवर मूव अ कूक मोह गो यर मन इस पर अमस शक्मस मन बड़ान तिस पर दुम गे ग अनदरिकन पत् गे कमस माज अनदरिकन वेन आई सकर फ्रॉम योर ब्रेस्ट द कॉमलीनेस ऑफ योर फेस त्रेम गे कमस माज यह तिस पर गिस पे पवान ये बह जालस पुस बुद चवान अमस पे पे माज बह दुद चवान मैन आई सकर फ्रॉम योर ब्रेस्ट पुस बहुत दुद चवान अमस सीनस पमस दुद चवान द कॉमलीनेस ऑफ योर फेस अम कॉमलीनेस कॉमलीनेस मीनस अट्रैक्टिवनेस खूबसूरती दिलकशियत वनो अमस खूबसूरती सम्स ग मोल्ड सम्स कम सो खूबसूरती गम क्या जिस पर अमस दुद चवान चुस तिस पर अमस खूबसूरती कम गम त्रेम गेंग ग सटल अनदरिकल वेन ए गर्ल टुक मी अवे फ्रॉम यू पम चम गे तिस पे गटल अनदरिकल वेन ए गर्ल टुक मी अवे फ्रॉम यू जिस पर कूर नवान इस पर कूर निकल बिकम प्रेग एंड हर सन वाज इन हर होम द थर्ड रिकल वाज फॉरवर्ड एंड सेकंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ हिज द नरेटर फाइंड्स द अनदर रिकल फॉरवर्ड ऑन हर मदर्स व्हेन ए गर्ल टुक हिम अवे फ्रॉम हर मदर इस पर व्हेन ए गर्ल टुक हिम अवे फ्रॉम हर मदर इस पर कूर नूर जवान पे नवान मेने एंड लेफ्ट द मदर अलोन पा गि कुन गो सेटल चौम रिकल तिस पे गिस पे अमस कूर आम कूर नवान गि तस तम सर्स क्या खानदर पेकिस गर गान कूर नमस ब्रो तिस पे अमस ब्या गे ग तवे आव सेटल अनंद रिकल वे गर्ल टुक मी अवे फ्रॉम यू जिस पे अमस कूर आस नवान तस खानदर कर पेकिस जाए सूर तिस पे अमस ब्या गे ग मदर माय मदर मेरी मां वना ये अमस लड़क वन पे पे माज Taking courage, sathav hemat in my hands today, I am seeking under the skin of your wrinkles a girl. Mother, the narrator further says that he mustered the courage to see that girl under the wrinkled face, which once she was. When she celebrated the Radhe festival and went to river to immerse Radhe singing his hand bath during the Navratras. Go, I think you want to Mother, my mother taking courage. So, Ahmed, Mary Ma, Ahmed Rako. In my hand today, I am seeking under the skin of your wrinkles a girl. Agar main aapke paas hoon, who was pressed to celebrate Radhe festival with fondness. So, agar sa girl ban haak bhai, अगर सह गर्ल बन बे पे राडे फेस्टिवल मनाव राडे मतलब गो राडे त्यौहार राडे यह डोगरी लोगों में नवरात्रों के दौरान मनाए जाने वाला एक त्यौहार यह डोगरी लोगों डोगरी लोग तमन यह बोड़ दो तुम मनावान यह दपा अगर सह बे सह लक लड़की बन अकिस दोस सेलब्रेट राडे फेस्टिवल विथ फॉन्ड्स पत् मनाव तथ पे सह राडे फेस्टिवल मनाव तथ पे सह मनाव बाकन कोरन सू वेंट तवी टू एमरस राडे सीडलिंग पत् रिवर तवीस पे गाडे सीडलिंग तम लगान दड़ टू एमरस राडे पम दड़ लगान राडे सीडलिंग एंड बॉथ ज्यूरिंग द नवरात्र पे क्या कर तवी दरिया पा स्रान एंड बॉथ ज्यूरिंग द नवरात्र नवरात्र हिंदू लोग क्या कर नवरात्र को बोर्ड दो हिंदू मैंने यहां पर लिखा है नवरात्र फेस्टिवल ऑफ हिंदूज यह हिंदी बोर्ड दो पे नवरात्र वाता पे स्रान कर तवी दरिया मज हू प्लेड होपस काश एंड द गेम ऑफ पेबल्स पुत गा होपस काश सजस गिंद होपस काश एंड द गेम ऑफ पेबल्स बे त्रुपन गिंदू तुम पेबल्स गो त्रुपन काश तिसी लड़की बना अकिस दोस मनाव राडे फेस्टिवल तथे पे पे लकट कूर मनाव बाकन कोरन सी गिंदा पे सजस तुम बाकन कोरन सोपस काश को सजस गिंद गिंदा सह पेबल्स पेबल्स को त्रुपन गिंदा बाकन कोरन सगर ऐस दोस सी लकट लड़की बना इस मना लड़क पनी माज आई विल ब्रिंग फॉर यू एवरीथिंग ए मां मैं आपको सब कुछ दे दूंगा सब कुछ प्रोवाइड करूंगा यह पनी माज आई विल ब्रिंग फॉर यू बो आना चे प्रे चीज कलर्स पर राडे नम राडे कलर्स तम सीडन हम कलर्स बेलिन तम आना सारी टेंसल फारे दुपटा बे आना टेंसल सी आना चेस दुपटा खतर टेंसल गो
टेंसोर मीन्स ग्लिटरिंग डेकोरेट मेटलिक स्ट्रिप्स और थ्रेड्स नम टेंसोर गे नम ग्लिटरिंग डेकोरेटिव मेटलिक स्ट्रिप्स आसान चे या पन आसान चे थ्रेड्स को पन सान आवे चाहे दुपट्टा खतर टेंसोर फॉर दुपट्टा स रंग बरंग पन हो सान आवे चाहे दुपट्टा खतर कलरफुल पेबल्स बेहान आव खूबसूरत पेबल्स से कैट फ्रॉम अक्रॉस द तवी गो दरियाई तवी पेट आन आवे चे जबरदस्त कलरफुल पेबल्स चाहे खतर एति गिलाक से बिकम दैट गर्ल मदर ए मां खली एक दोस के बिकम द दैट गर्ल सब तो तिसी कूर इस अस इकन से बचपन उसे चे जस्ट फॉर वन डे खली एक दोस बंद से कूर खली एक दोस बंद से कूर तिसी कूर इस अस चेक थावा के सोरी के चीज कर च मैया ये छे एमएस पन लड़क वना डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा जो ये रिंकल्स है रिंकल्स के माने झुरिया है ये मैं कोशिश करूं कि रिंकल्स वना च अमन गेयन या आए समय वा गोस क्लियर ये सेस पाइम पर ये सेस पाइम रिंकल्स अमन गोस क्लियर एक एक समाज कस पर कस गेयन गसा च यु गो तो क्लियर मैं छो अमीर प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से ये पोयम समझ आई होगी एंड अकॉर्डिंगली यू राइट डाउन दीज वर्ड्स ऑन योर इंग्लिश एक्सरसाइज नोटबुक थैंक्स।